राजस्थान में अलवर की लाल प्याज अब सात समुंदर पार भी अपने जायके का तड़का लगा सकती है। दरअसल इस बार गत वर्ष की तुलना में प्याज की पैदावार अधिक हुई है। अलवर जिले के लिए किसानों की लाइफलाइन बनी लाल प्याज का उत्पादन का रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। अलवर के प्याज को पूरे देश की मंडियों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने इसके लिए स्पेशल पैसेंजर ट्रेन की पिछली बार शुरुआत की थी। इस बार भी 20 नवंबर के बाद स्पेशल पैसेंजर ट्रेन चलाई जाएगी। किसान और आढ़तियों की मांग पर तारीख निश्चित होगी। अलवर में प्याज का रकबा वर्ष 2020 में जहां 18,500 हेक्टेयर था, वहीं अभी रकबा बढ़कर 2022 में 27,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है। अनुमान है कि इस साल 3,55,000 टन प्याज का उत्पादन होगा, जो अलवर की अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। माना जा रहा है कि कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने के कारण देश भर के प्याज के व्यापारियों की नजर अलवर के प्याज पर है। दरअसल अलवर की प्याज की गुणवत्ता भी लगातार सुधरती दिखाई दी है। नवंबर और दिसंबर में अलवर की मंडियों में प्याज की आवक जबरदस्त रहेगी। इस साल प्याज की मांग अधिक बढ़ गई है और वर्ष 2019 के बाद प्याज के भाव अच्छे रहने के कारण किसानों के लिए अब ये फायदे का सौदा बनती जा रही है और इसी कारण किसानों का रुझान प्याज की खेती पर हुआ है। प्याज की फसल के बाद कई कर्जदार किसान कर्ज मुक्त हो चुके हैं और उनके परिवारों में खुशहाली है। हालांकि विगत 15 दिन पहले हुई बारिश से किसानों की प्याज की फसल में कुछ खराबी देखने को मिली है, लेकिन उससे उसकी क्वालिटी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अलवर की थोक मंडी में प्याज के क्रेता और विक्रेताओं का कहना है कि अभी प्रतिदिन अलवर शहर की मंडी में 800 से 1000 कट्टे प्रतिदिन आ रहे हैं और 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक प्रति मन प्याज के भाव देखने को मिले हैं। वहीं अच्छी क्वालिटी की प्याज अभी थोक में 20 रुपए तक बिक रही है। हालांकि मौसम खराब होने के कारण अलवर की प्याज 20 दिन देरी से मार्केट में आ रही है। अब जो प्याज आ रही है वह कुछ किसानों ने अगेती बोई थी, इसलिए आवक कम है। 5 नवंबर के बाद प्याज का आना शुरू होगा और अलवर में तो सभी राज्यों के व्यापारी आते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, हरियाणवी, उत्तराखंड, पंजाब के लिए सबसे ज्यादा व्यापारी आ रहे हैं। जितने यहाँ व्यापारी बाहर से आएंगे, उतना ही किसानों के प्याज का बाजार भी अच्छा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।